नमस्कार, आज मैं आपको क्यूपोला फर्नेस के बारे में बता रहा हूँ। क्यूपोला फर्नेस के कंस्ट्रक्शन जानिए। यह स्टील के चदरों को वेल्डिंग करके तैयार किया जाता है। यह बेलनाकार है, देख रहे हैं आप चित्र में, यह बेलनाकार है। स्टील के चदरों को चाहे हम रिवेट कर सकते हैं या फिर वेल्ड करके उसको तैयार करते हैं। उसके अंदर फायरबिक्स का लाइनिंग है, देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरा, ये फायरबिक्स का लाइनिंग है। उसके बगल में एक लेप लगा हुआ है, यानी वो हाईली रिफ्रेक्टरी मटेरियल का लेप होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बेस में आपको ये चार पैरों पे अवस्थित होता है। नीचे कंक्रीट इत्यादि से ढलाई करके इसको बनाई जाती है। सबसे नीचे भाग में यहाँ देखिए स्लोपी एरिया है। यहाँ जब हम इस पेंदी को बंद करते हैं सुलगाने से पहले, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिफ्रेक्टरी मटेरियल यानी मोल्डिंग मटेरियल कहिए, मोल्डिंग मटेरियल से यहाँ स्लोपी करके बनाते हैं टेप होल के पास, ताकि पिघली धातु वो इस तरह से दबाव से यहाँ से बाहर हो जाए। ये एरिया आप देख रहे हैं, हम क्यूपोला फर्नेस को इस तरह से हम बांट सकते हैं। ऊपरी भाग को हम स्टैक बोलते हैं, ये प्री हीटिंग जोन है, ये मेल्टिंग जोन है। यहाँ पर देखिए ये टेप होल है, जिस होके पिघली धातु हम बाहर करते हैं। ये स्लैग होल है, क्योंकि स्लैग थोड़ा हल्का होता है और पिघली धातु वो भारी है, इसलिए वो नीचे जाएगा और स्लैग ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम स्लैग को बाहर कर लेंगे, इसके बाद पिघली धातु को बाहर करेंगे। ये कोक बेड हाइट है यहाँ पे, ये टायर्स देखते हैं, जिस होके हवा इसके अंदर प्रवाहित की जाती है इन्हीं टायर्स के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं ये चार्जिंग डोर है, जिस होके चार्ज को हम डालते रहते हैं समय समय पे। सबसे ऊपर स्पार्क एडस्टर है। अब इसके कैपेसिटी के बारे में हम जानें। कैपेसिटी इसका हम टन प्रति घंटा अथवा किलोग्राम प्रति घंटा के दर से उसको बनाते हैं। यह कई आकार का छोटा बड़ा भी हो सकता है, उसी के अनुसार उसका टायर्स भी व्यवस्थित होगा, जिस आकार के अनुसार ही। अब मेल्टिंग प्रोसेस को हम ये छह स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन और रिपेयरिंग, इसके बाद है फायरिंग, इसके बाद है चार्जिंग, इसके बाद मेल्टिंग, इसके बाद है मेटल एंड स्लैग टेपिंग, इसके बाद है ड्रॉपिंग दी क्यूपोला। ये क्यूपोला फर्नेस जब एक बार हम लोग आरंभ करते हैं तो लगातार चलते रहता है, जब तक मतलब वो हर एक तीन तीन घंटे पे हमको पिघली धातु प्राप्त कराता रहेगा। अधिक मात्रा में हमको करना है तो इसको लगातार आप चलाइए, नहीं तो छोटे मात्रा में बनाने के लिए ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अब मेल्टिंग प्रोसेस में पहला है प्रिपरेशन और रिपेयरिंग। वो क्या होता है कि जब हम भट्टी को बंद करते हैं तो उस समय मेल्टिंग जोन में जो हम लोग पिग आयरन स्क्रैप ये लाइम स्टोन कोक इत्यादि जाते हैं, तो वो पिघली हुए धातु थोड़ा थोड़ा इसके लाइनिंग से बना रहता है, सटा हुआ रह जाता है, तो उसको तोड़ के हटाना पड़ता है। इस हटाने के क्रम में हो सकता है कि ये आपका लाइनिंग टूट जाए, तो उस लाइनिंग को उस समय बनाना होगा, तब चालू करना होगा, तो फिर एक लेयर आपको अलग से लगाना पड़ेगा। और फायरबिक्स यदि टूट जाता है तो उसको खोल के फिर से लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए चार्जिंग डूर आप देख रहे हैं, चार्जिंग डूर में चार्ज हम करते हैं। प्रिपरेशन रिपेयरिंग में मतलब आप क्या क्या आप कर सकते हैं, तो पहला है कि जो टूट जाता है लाइनिंग तो उस लाइनिंग को बनाएंगे, और हाईली रिफ्रेक्टरी मटेरियल जो है उसका फिर एक लेप लगा देंगे दोनों साइड से, इस तरह से आपका क्यूपोला तैयार हो जाएगा। फायरिंग अगला है पॉइंट फायरिंग। फायरिंग करने के लिए हम पेंदी के पास क्या करते हैं कि कोक और लकड़ी रखकर उसको सुलगा देते हैं और एक निश्चित हाइट तक कोक डालते हैं। यहाँ एरिया आप देख रहे हैं मेल्टिंग जोन में, तो यह सुलगना शुरू हो जाता है इस तरह से।
यह पूरे तरह से जब पूरा सुलग जाता है इसके बाद तब हम उसमें चार्ज डालना शुरू करते हैं। अगला है चार्जिंग। चार्जिंग के रूप में हम आपको बताया कि पिग आयरन डालेंगे, स्क्रैप डालेंगे, फिर लाइम स्टोन, ये कोक डालेंगे, ये सभी एक एक लेयर के रूप में इसमें डालते जाएंगे। डालने के बाद मेल्टिंग होने का काम शुरू होगा, यानी 40 से 45 मिनट तक इसको उसी अवस्था में छोड़ देंगे और हवा का झोंका इसमें देते रहेंगे। तो क्या होगा, पूरा हीट होके चार्ज पूरा पिघल जाएगा। पिघलने के बाद धातु भारी होने के चलते वो सबसे नीचे जमा होता टायर से, मतलब यहाँ से आप एक पीपिंग होल होता है भट्टी के अंदर, उससे आप देख सकते हैं मेटल गिरता हुआ नजर आएगा भट्टी में, पिघली धातु, और नीचे यहाँ पूरा जमा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्लैग को बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो हल्का है मेटल से, बाद में फिर पिघले हुए धातु को यहाँ से बाहर करेंगे। जब हमको कुपला को बंद करना होगा तब क्या करेंगे, तब इस पेंदी को हम लोग पहले हवा का झोंका प्रवेश बंद कर देंगे, चार्ज करना बंद कर देंगे और पेंदी को गिरा देंगे। तो जो भी इसमें बेकार पदार्थ वहाँ पे आस ये सब होगा वो सब बाहर निकल जाएगा और उसमें से जो बचेगा बाकी फिर अगले मेल्ट में उसको व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि क्यूपुला का कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, उसमें कैसे बना होता है। तो मैं बता दूं कि ये भट्टी बेलनाकार भट्टी है जो कि इस्पात के चादरों से बनी होती है, इसको वेल्ड करके चाहे रिवेट करके तैयार किया जाता है। इसका रचना बहुत आसान है, इसमें मैकेनिकल मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम आता है। और फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा स्टेप्स होता है मेल्टिंग प्रोसेस में, जिसमें मैंने आपको बताया प्रिपरेशन, रिपेयरिंग, फायरिंग, चार्जिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड स्लैग, मेटल एंड स्लैग टेपिंग, और फिर ड्रॉपिंग दी क्यूपला बॉटम। तो इस तरह से आज आपने क्यूपला फर्नेस के बारे में जाना, ये क्यों, ये किस काम के लिए है। तो आपको जब कास्ट आयरन प्राप्त करना है तो उस भट्टी का नाम स्मरण कीजिए, वो कौन सा भट्टी है, वो है क्यूपला फर्नेस, याद रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।